अच्छे ही होंगे। और गाइस राधे राधे, तो हम जा रहे हैं बटेश्वर पापा से बहुत सारी रिक्वेस्ट करके। अब जो आपके पता चला कि जा रहे 15 दिन का लगता है, आप भी आना गाइस। क्या मेला? गाइस मेला मिलते हैं ब्लॉक में, और तो हम आपको दिखाएंगे मंदिर सब कुछ। शुक्र है गाइस, इनकी आई में लग रही है। गाइस देखो, मेरी आई में लग चुकी है, फिर भी मैं जाग ही रहूंगा क्योंकि मैं बोले बाबा को वक्त हूँ, जाग ही रहूंगा बटेश्वर। और गाइस हम ये पहुंच चुके हैं बटेश्वर, और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम मेले में जाएंगे, तो हम आए थे पहले नीचे जा रहे थे यमुना घाट, चलते चलते फिर पहुंच गए, फिर देखा तो इतनी सुंदर सजावट हो रही है, चौंक गए, फिर हम नीचे और चले गए। और फिर हमने थोड़ी देर बाद, तो मैं हाय कर रही हूँ, हाय गाइस, और मैं फिर नीचे और चली गई पापा के देखने लगी, थोड़ी देर देखा, और फिर सामान विसर्जन हो जाने के बाद मैं खड़ी थी और सारे मंदिर्स को देखने लगे, बहुत सुंदर सजावट हो रही थी गाइस। तो हम चलने लगे थे, लेकिन हमने देखा कि उस साइड से थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, फिर मैंने बोला पापा चढ़ते हैं, फिर पापा बोला नहीं सीधे चलो। फिर हम चले गए, पूजा करने गए थे, और ये एक मूर्ति मिली। इस बटेश्वर में 100 मंदिर्स हैं और 108 मंदिर्स हैं, और इसमें सारे के सारे मंदिर्स अपने आप ही प्रकट हुए हैं। और ये मूर्ति दिख रही है, ये बटेश्वर की बहुत वैसी मेन मूर्ति है। और फिर हमने थोड़ा सा देखा और अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस, फिर ये मैं हूँ, और ये लक्ष्य प्रार्थना मांग रहा है अपनी कि मुझे कुछ भी बनना हो, IAS बनना है, प्लीज़ बोले बाबा मेरी विश पूरी कर देना। और फिर पापा दिखा रहे थे, पापा ने अच्छे से इन दिखाई पाया, ले लिया। और फिर लच्छ ने हाथ जोड़ लिए, और फिर हम देख रहे थे, और ये हमने रुक कर एक फ़ोटो खींचा अच्छे तरीके से। उसके बाद हम आ गए थे घंटे बजाने, और घंटे में पहुंच नहीं रही थी, 3-4 बार कोशिश की तब पहुंच गई, और लच्छ वो जिद कर रहा था, तो पापा ने उसे गोदी में बिठा के बजा लिया, फिर से बजेंगे, अभी देखो मैंने बजा लिया इस बार, और पापा ने भी, अब फिर से बजाएंगे पापा, अब लच्छ को भी बजवाएंगे। और फिर देखो लच्छ ने फिर से जिद की, और फिर से बिठा दिया उसे ऊपर अपने कंधे पे, और बजाया उसने इतनी मुश्किल से। और गाइस फिर पापा ने उसे नीचे उतार दिया, नीचे उतारने के, और अब हम मंदिर से बाहर निकलने वाले हैं। तो ये सब लोग कर रहे थे, फिर हम चलते रहे, फिर हम बाहर निकल रहे थे नीचे से, मैंने गुल्लक में पैसे डालने का सोचा था, मैं अपने आप ही लाई थी 50 रुपये कि मैं अपनी 20 मांगूंगी। और फिर हम गए थे हम ये बाहर, ये लड़का बहुत तिलक लगवा के बहुत खुश हो रहा था, और ये हम सारी डेकोरेशन देखते देखते हुए जा रहे थे। फिर बटेश्वर के मेले के बाद हमने पहले झूला बटेश्वर के, फिर हमने बहुत सारे, एक और मंदिर था ये जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, तो चलो देखते हैं गाइस कैसी मूर्तियाँ हैं। देखिए इसमें, इस मंदिर में भोले बाबा की हैं, गणेश जी की हैं, माता पार्वती जी की हैं, इसमें ये भी खुद ही से ही प्रकट हुई हैं, क्योंकि एक भदावर महाराज थे, उनके सपने में आए थे ये, उन्होंने बोला था जो फिर उसने सच मान लिया, फिर उन्होंने करा ऐसे ही, फिर उन्हें ये सब मूर्तियाँ मिली, फिर उन्हें रखा गया यहाँ पे और स्थापित किया गया। और फिर यहाँ पे हमने प्रार्थना मांगी और एक फोटो फिर से खींचने लगी, खींचा,
उस खींचने लगे। फिर हमने देखा भोले बाबा के, मुझे ही नहीं पता था कि मैं भोले बाबा के जस्ट पीछे हूँ। फिर खींचा था, फिर से मैंने ये वीडियो बनाई थी। ऊपर से इतनी सारी झल्लर्स हैं और उस साइड भी लगी हुई थी गाइस, देखिए। और फिर हम चलने लगे मेला की तरफ, और ये गेट है इसमें से चले। फिर हम पहुंच गए मेले के अंदर, और मेले के अंदर से हम चलते बहुत गए। सारी दुकानें थी। बहुत सारी दुकानें थी मेले में, देख सकते हैं आप गाइस ये सब। मैंने बहुत सारा सामान लिया था जो मैंने आपको खोल के दिखाया था। और गाइस ये रही वो सारी दुकानें, कुछ बंद हो गई तो कुछ खुल रही थी। और इतना सुंदर सामान था लेकिन उतना ही महंगा था। आप भी गाइस आ सकते हैं इस मेले में, 15 दिन का लग सकता है। प्लीज़ गाइस आइएगा, आप भी वीडियो बनाइएगा। और देखिए ये आगे बड़ा, सबसे बड़ा गेट है ये, इसमें से ही अंदर एंटर करते हैं। मतलब छोटे छोटे मंदिरों के पास, मंदिरों के पास। और ये झल्लर्स लगी थी, और मैंने फिर से हाई किया। फिर ये निकलने वाले हैं, देख सकते हैं आपका इस कितना सुंदर सजा है यहाँ पे। पापा और लच मेरा भाई सबसे आगे निकल गया, और ये बाहर से ऐसा सजा हुआ था, इतना सुंदर लग रहा था कि आप भी देखते रह जाते गाइस अगर आप आते तो। और ये मेरी मम्मी है, फोटो खींचने की ज़्यादा जिद कर रही थी, फिर मैंने खींचवा लिया और फिर मैं चली गई। और देख सकते हैं गाइस ये भोले बाबा, ये दुकान से है इसमें, ये बर्तन की दुकान है बंद हो रही थी, और ये चूड़ियों की दुकान है, ये खिलौनों की आ गई। और देख सकते हैं आप कितने सारे खिलौने टंगे, लच ने वो उस खिलौनों की जिद की थी लेकिन बहुत महंगे थे। फिर नहीं, फिर हम झूला झूलने चले गए, नहीं मिला उसे। फिर मैं इसके बगल में एक और झूला था, उसे झूलने की बोल रही थी, और लेकिन लच ने हमको देख लिया, पापा पापा, फिर चिल्लाने लगा, देखो हम जा रहे हैं, फिर पापा पापा रुको, अंकल रोक दो, अंकल रोक दो, अंकल रोक दो। फिर अंकल से राउंड आ गया यहाँ पे, फिर अंकल से इसने रुकवा ली। फिर हम मैं आ गए थे, पैसे देखे इस लच ना, देखना कितना एक्शन में उतरेगा। पहले इस पे पैर रखेगा, ये पैर, दोनों पैर रखते हुए, और फिर ये इस पे से जंप कर दी, और जंप करते इतने आसन से निकला। और फिर हम आ गए दूसरे झूले की तरफ, और ये झूला इतना बड़ा था, मेरी मेरी मम्मा का हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। और फिर हम ये दूसरे झूले की तरफ पहुंच गए, और ये है ड्रैगन वाला, इस पे मैं चढ़ रही थी, तो मैंने पापा को अपना पर्स दे दिया, और देखो फिर मैं चढ़ गई गाइस। और फिर अंकल झुलाने लगे थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ा थोड़ा तेज़ दे सकते हैं आप गाइस, कितना सुंदर लग रहा है। मेरा भाई को लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा। और ये थोड़ी सी और झूले थे लेकिन कुछ बंद हो गए थे। ये है वो बहुत बड़ा राउंड वाला झूला, और देख सकते हैं गाइस। और ये झूलती रही मैं, झूलती रही मैं, झूलती रही मैं, झूलती रही। और फिर ये बंद होने वाला था इसीलिए अंकल ने रोक दिया। फिर हम उतर आए थे गाइस, और फिर अंकल को पैसे दिए गए। लच टिक्की खा रहा था शॉर्ट की, और उधर भी झूले थे, खाता ही गया। फिर लच को अच्छी लग रही थी, खा लिया उसने टिक्की देखकर। और मैं उसके बगल में खड़ी हूँ, मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा आपको मम्मी। और फिर मैंने मना कर दिया, मैं नहीं खा रही। फिर पापा ने बोला कि हमें भी 10 की टिक्की खड़ा दो। फिर मम्मी पापा ने भी खाई। उसके बाद ये सामने झूला था अभी आपको दिखा, उसमें भी लच्छ ने खाया था, ये मैं हूँ अपना ऐसे कर रही थी। और ये हम खाने आ गए अब सॉफ्टी, और सॉफ्टी मैं भी खा रही थी। मेरा भाई खिलौने लेके आ गया, और मैं भी जब डिक्शनरी का सामान लेके आ गई थी, उसके बाद हमने सॉफ्टी खाई और मैंने हाई किया। और ये मेरा भाई अपने पापा को ही खिलाता रहता है ज़बरदस्ती से, मुझे नहीं खाना ये ठंडी है, पहले ले लेता है, और फिर पापा बोलते कोई ज़बरदस्ती है नहीं, पापा प्लीज़ थोड़ी सी ऊपर ऊपर की क्रीम खा लो, लो और खाओ और खाओ, इसीलिए पापा अपने लिए अलग नहीं देते। और फिर पापा को इसने और खपाता गया, खवाता गया, जब तक वो पूरी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो खवाता ही जा रहा था। और फिर हमने बस अबला मुझे ही दे, मैं ही पूरी खा लूँगा, पापा ने बोला। फिर
खाते गए लच लच किए हाथ में, उसके पीछे आपने अभी जो पैकेट देखी उसमें हमारे खिलौने थे, फिर लच खड़ा हो गया, कहीं मैंने लेजर लाइट की सेल देखी तो है ही नहीं था उसमें एक। फिर हम लोग चले गए और पहुंच चुके हैं मेरा देखने, तो हमारे शॉपिंग बहुत अच्छी होंगी। और गाइस हम आ चुके हैं मेले और खिलौने के खरीद लिए, और भी खरीद आए तो घर पर खोलेंगे तब दिखाएंगे। और ये मेले में हमें एक नई दुकान मिल गई थी जिस पर ये केयरिंग में कुछ भी अपना नाम वगैरह लगा के हम डेकोरेट करके ले सकते हैं, लेकिन हमने ये लिया था बेस्ट कपल का। एवरीवन, तो आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। और गाइस हम रात को गए थे मेला, पूरा से राइट मसाज करने वाला, मतलब खोजी गलत है पीठ में ऐसे करके। और गाइस हम आए थे रात को 10:30 बजे, इसीलिए हम आपको उस टाइम दिखा नहीं पाए, तो हम आपको अब सब कुछ दिखाते हैं। चलो शुरू करते हैं गाइस। ये है वो किट, मैं इसके अंदर सामान रख लिया है, लेकिन मैंने वही रखा है। तो ये देखिए, ये किट है और ये सामान हम मेले में से लाए हैं। तो देखिए ये किट है, ये और ये बिल्कुल सेम किट है। सो वी गाइस ठीक हो। और ये है एक सुंदर सा पेन। और गाइस तो ये मेरी मम्मी लाई थी इतने सारे पेन, 20 का इतना अच्छा सामान आ गया देखो। ये भी और ये गाइस 20 रुपीज का आया है ये बस एक पेन। और ये लच की है। अब आप शॉप जाओगे ये गन कैसी होती है देखिए, हम इसको खोल के दिखाते हैं। पेन है ये पेन, और फिर हम लगा देते हैं। और भी सामान लाए गाइस, तो चलो एक मिनट के लिए ब्रेक के लिए रखते हैं, फिर बताते हैं। और गाइस ये रहा एक पेन, ये ऐसे ऐसे होता है, ये देखिए इसमें करके हवा कर सकते हैं गाइस। ओनली सिर्फ 20 रुपये में आ गया है सब सामान। और गाइस ये मूंगफली वगैरह वाली रेजर है, देख सकते हैं आप, ये आपको मूंगफली लग रही होगी ये, लेकिन मूंगफली नहीं, ये सारी की सारी इरेजर है। और गाइस ये हम खोल के आपको दिखा देते हैं सारी की सारी। तो गाइस बस एक सेकेंड, ये है बर्थडे वाली देखिए इरेजर, ये है कैरेट वाली, ये है मूंगफली वाली, और ये है चावी। और गाइस हम लाए थे ये वाली रेजर्स, देख सकते हैं आप, हमें बॉक्सिंग करते थे तो हम लाए इतने सारे केयरिंग्स। और भी है गाइस, तो और भी दिखा देते हैं आपको, एक ये रह गया, ये देखिए और भी सामान लाए थे हम। और ये किट भी लाई थी मैं, मैंने लॉकर में रख रखा है। और गाइस ये पेंसिल लाए थे देखिए, ये गेम वाली है सिर्फ ओनली 20 रुपये में, और ये भी हम 20 रुपये में लाए थे स्लाइम गाइस। तो मिलते हैं अगली, मतलब अब मेरा भाई अनबॉक्सिंग करके दिखाएगा वो लाइक। मैं देखो गाइस ये मेरी बॉक्सिंग किट और इसके हैंड ग्लव्स, देखो ग्लव्स। और गाइस देखो मैं आपको अपनी गन दिखाता हूँ, गाइस देखो ये रही मेरी गन, और ओनली ये ना बहुत ज्यादा रुपए की आई थी। और गाइस देखो इसकी गोलियां, और गाइस देखो ये बंदूक, ये फटाके वाली है देख लो, चश्मा जो मैं पहना हूँ उससे बहुत धूप लगती है गाइस। और देखो ये रही ले रखा है गाइस। और गाइस अब मैं आपको बॉक्सिंग करके दिखाऊंगा सबसे पहले। गाइस देखो ये ना मेरा उसका ऊपर लगे नहीं, बॉक्सिंग लग ना जाए अपने अपने सिर में ना लग जाए बॉक्सिंग तो, और इसलिए ये हेलमेट। और देख लो गाइस जरा इसको पहले बंद करो गाइस, देखो मैंने एक हैंड ग्लव्स पहन चुका है, देखो कैसे पंच बन नहीं हुआ।
और गाइस देखो एक और ओम का जाप करूं मैं शंकर, शैतानों से न डरूं मैं शंकर, ये मेरे भाई का बॉक्सिंग किट किट। तो गाइस आपको आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एमसी अगर गाइस आपको मेरी बॉक्सिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, वरना एक लाइक गाइस बंद करो। थैंक यू फॉर द वाचिंग, बाय गाइस।